आज ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, शाम 5:30 बजे सम्मेलन की शुरुआत। ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है भारत, अफगानिस्तान संकट पर भी चर्चा संभव। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग होंगे आमने सामने। एलएसी पर मई 2020 के बाद से जारी सीमा विवाद के बाद दूसरी मीटिंग। दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल और रूसी डेलीगेशन की मुलाकात, अफगानिस्तान समेत कई मुद्दों पर बातचीत। रूसी डेलीगेशन में भारत ने अफगानिस्तान में आईएसआई से आतंकी संगठनों के साथ गांठ का किया जिक्र, लश्कर और जैश के साथ संबंधों को किया उजागर। अफगानिस्तान में महिलाओं के प्रदर्शन से जरा तालिबान, आंतरिक मामलों के मंत्री सराज हकानी ने लगाई कई शर्तें। काबुल में महिलाओं ने फिर खोला तालिबान के खिलाफ मोर्चा, अपने हक की आवाज के साथ सड़कों पर उतरी। खुलकर सामने आने लगी तालिबान की असलियत, काबुल की सड़क पर चलती महिला की सरेआम पिटाई। तालिबान के शिक्षा मंत्री का अजीबोगरीब बयान, कहा मास्टर और पीएचडी डिग्री की नहीं है कोई अहमियत। तालिबान को चीन से फंडिंग पर है अमेरिका की नजर, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बोले क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। पत्रकारों के साथ भी दरिंदगी कर रहा है तालिबान, न्यूज कवर करने गए एक युवक की जमकर पिटाई। सरकार बनते ही अफगानिस्तान में शुरू हुए तालिबानी फरमान, खेलों में महिलाओं की भागीदारी पर लगाई पाबंदी। फारूक अब्दुल्ला के बाद महबूबा मुफ्ती ने भी थपथपाई तालिबान की पीठ, सही मायने में शरीयत कानून लागू करने की जताई उम्मीद। किस तरह गवर्न करना चाहिए, जो मदीने का हमारा मॉडल रहा है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो अगर वो वाकई उस पे अमल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल। पाकिस्तान को तालिबान ने दिया झटका, कश्मीर को बताया दोनों देशों के बीच का आपसी मसला। आज पैरालंपिक खिलाड़ियों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 10:00 बजे होगी मुलाकात। बाड़मेर में अब नेशनल हाईवे पर उड़ेंगे लड़ाकू विमान, देश की पहली लैंडिंग स्ट्रिप का आज उद्घाटन, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी रहेंगे मौजूद। असदुद्दीन ओवैसी बाराबंकी में सभा करने के लिए नहीं मिली इजाजत, कार्यक्रम की जानकारी जिला प्रशासन को नहीं देने का आरोप। 2 दिन के जम्मू दौरे पर राहुल गांधी आज वैष्णो देवी के करेंगे दर्शन, कल कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। भवानीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार के नाम पर मंथन, आज दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे शुभेंदु अधिकारी। करनाल में जारी रहेगा किसानों का धरना, बेनतीजा रही प्रदर्शनकारी और प्रशासन के बीच 3 घंटे की बातचीत। एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हैं किसान, लेकिन प्रशासन की 2 टूक, कहां जांच के बाद ही होगी कार्रवाई। करनाल प्रशासन को राकेश टिकैत की सीधी धमकी, कहा अफसरों को गेट से नहीं जाने देंगे भीतर। ज्यादा मेल मिलाप भाई ठीक नहीं है, वर्दी वाले का और बिना वर्दी वाले का मेल मिलाप इतना ही ठीक है कि राम रहीम तक ठीक है, ज्यादा नहीं। लखनऊ में आज किसानों की बड़ी बैठक, आगे की रणनीति पर करेंगे मंथन। किसानों के आंदोलन के बीच सरकार ने बढ़ाया 6 रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, गेहूं के एमएसपी में 40 रुपए की बढ़ोतरी। मसूर और सरसों के एमएसपी में 400-400 रुपए का इजाफा, चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 130 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। जेल से रिहा होने के बाद तीसरे मोर्चे की कवायद में जुटे आईएनएलटी नेता ओम प्रकाश चौटाला, 25 सितंबर को जाट नेता देवीलाल की जयंती पर बड़ी रैली की तैयारी। देवीलाल की जयंती पर रैली में पहुंचेंगे मुलायम, नीतीश कुमार, एचडी देवेगौड़ा और प्रकाश सिंह बादल, पवार और ममता को भी भेजा गया नेता। तेजस्वी यादव से मिले चिराग पासवान, रामविलास पासवान की बरकी का निमंत्रण देने के बहाने हुई मुलाकात। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी पर ओवैसी का पलटवार, कहा जो मस्जिदें हैं वीरान हैं वहां पढ़िए नमाज, इरफान ने विधानसभा में नमाज के लिए जगह की मांग की थी। कितनी मस्जिदें अब वीरान पड़ी है वहां पर, इनको शर्म भी आती है इस तरह की बात करने के लिए। वो मस्जिदें जो वीरान पड़ी है मुजफ्फरनगर में उसका बात करिए, जाइए नमाज पढ़िए आप वहां पर। बस्ती पहुंचे समाजवादी पार्टी के किसान नौजवान पटेल यात्रा, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने बीजेपी पर जमकर किया हमला। चारधाम यात्रा खुलवाने को लेकर व्यापारियों का मार्च, यमुनोत्री धाम में जबरन की घुसने की कोशिश, जमकर किनारेबाजी।
अकाली दल के नेता बिक्रमजीत मजीठिया का कांग्रेस पर हमला, कहा तीन गुटों में बटी कांग्रेस, विकास छोड़ अब नेता कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेसी नेता। कप्तान ते भरोसा नहीं, फिर क्यों एडा ढीठ पना, एक कुर्सी दी एडी भुख क्यों, छड़ के पलांबे हो जो। करौली में राजस्थान बीजेपी की जन आक्रोश रैली, गहलोत सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन। आगरा में समाजवादी पार्टी के किसान सम्मेलन में बिजली गुल, प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार, जमकर के नारेबाजी। दिल्ली निगम चुनाव में जीत के लिए स्मृति ईरानी ने महिला मोर्चा को दिया मंत्र, कहा जनता को दिल्ली सरकार की कथनी और करनी का अंतर बताएं। 14 सितंबर को अलीगढ़ का दौरा करेंगे पीएम मोदी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। 26 सितंबर को पीएम मोदी का लखनऊ दौरा, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम में होंगे शामिल। कोयला घोटाला में ईडी के सामने पेश नहीं हुए ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी, नए सिरे से भेजा गया समन। अभिषेक बैनर्जी से पूछताछ को लेकर ममता का केंद्र पर हमला, बोली वो राजनीतिक लड़ाई नहीं जीत सके इसलिए ले रहे एजेंसियों का सहारा। ममता बनर्जी ने भवानीपुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, नंदीग्राम में हार का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर साधा निशाना। आज से राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत, सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष, सत्र के हंगामेदार रहने की आशंका। पंजाब के सीएम ने ओलंपिक मेडल विजेताओं को दी दावत, खिलाड़ियों को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया। महाराष्ट्र में 24 घंटे में आए 4,174 नए कोरोना के मामले, 65 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई में आज किसी भी सरकारी वैक्सीन केंद्र में नहीं दी जाएगी वैक्सीन की पहली डोज, लगेगी सिर्फ दूसरी डोज। अब देश में ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाने की तैयारी, हैदराबाद में आज से शुरू होगा ट्रायल। वैशाली में तेल के स्टॉक पॉइंट में लगी भीषण आग, लाखों का रिफाइल और सरसों तेल बर्बाद। ग्वालियर के मुरार हत्याकांड में खुलासा, साड़ू के बेटे ने दोस्तों के साथ लूटपाट के इरादे से की थी हत्या। झांसी में भी डेंगू और वायरल बुखार का कहर, मरीजों की संख्या लगातार हो रही है ज्यादा। मेरठ में 1 करोड़ की चोरी मामले में कार्रवाई, 7 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में सोने चांदी के गहने बरामद। कोलकाता एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की कार्रवाई, 1,740 ग्राम सोने के साथ यात्री को किया गिरफ्तार। जमुई में पीने के पानी को लेकर हुए विवाद में गई जान, लक्ष्मीपुर अस्पताल के सुरक्षाकर्मी पर लगा सफाई कर्मी को मारने का आरोप। झांसी के बड़ा गांव के खदान में हादसा, पत्थर हटाते वक्त दबी महिला, रेस्क्यू के दौरान हुई मौत। राजकोट में कैमरे में कैद, आसमानी बिजली गिरने की तस्वीर, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रुड़की के वैक्सीनेशन कैंप में जमकर हुई मारपीट, कहा सुनी के बाद दो पक्षों में जमकर चले लात घुसे। कल्याण के कैलाश नगर में गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, दुकान और गाड़ियों में खुलेआम तोड़फोड़, स्थानीय लोगों से की मारपीट। सागर में युवती ने डॉक्टर पर लगाया रेप का आरोप, शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार, धारा 376 के तहत मामला दर्ज। बरेली में बच्चे की संदिग्ध मौत से हड़कंप, अभी तक डेंगू की पुष्टि नहीं, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। प्रयागराज में मजदूर की मौत के बाद वकीलों का हंगामा, डॉक्टरों पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। अलवर में कार में लिफ्ट देकर युवती से गैंग रेप, आरोपी दो युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जांच जारी। अमृतसर के शरीफपुरा एरिया में घर से पति पत्नी का शव बरामद, पुलिस को आत्महत्या का शक। दमोह में नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ पूर्व पार्षद ने की मारपीट, कैमरे में कैद तस्वीर, पूर्व पार्षद पर केस दर्ज। बलिया में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही, सरकारी विद्यालय में छात्राएं बना रही है खाना, वीडियो वायरल होने के बाद दिए गए जांच के आदेश। अलवर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, विधायक को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। पटना के रूपशपुर में एमवीआई के फ्लैट में आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति का मामला। छपरा पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार, पिस्टल लहराते और कारतूस के साथ बाइक चलाते वीडियो हुआ था वायरल। ओरछा में बेतवा नदी के तेज बहाव में बह गया युवक, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू।
असम के जोरहाट में नदी में डूब गई नाव, 120 यात्री थे सवार, एक की मौत, 50 से ज्यादा लोग लापता। अकोला में हो रही बारिश से पूर्णा नदी में बाढ़, कई गांव का संपर्क टूटा, प्रभावित लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। असम के बरपेटा में बाढ़ के बाद जल कटाव की समस्या, नदी किनारे बसे लोगों का पलायन जारी। औरंगाबाद में बारिश बनी मुसीबत, निचले इलाकों में भरा पानी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में आसमानी आफत ने मचाया कोहराम, भारी बारिश के साथ एनडीआरएफ की टीम तैनात। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मुसीबत बनी, 2 घंटे की बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी। भारी बारिश ने महाराष्ट्र के हिंगोली को किया बदहाल, नदी में बहने से अब तक 5 लोगों की हो चुकी है मौत। भावनगर के पालीताना में सुबह से भारी बारिश, नदी पार करते वक्त बह गया एक शख्स। ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया 24 घंटे का अलर्ट। ट्रेन के लेट होने की वजह से रेलवे पर लगे 30,000 के जुर्माने को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार, उपभोक्ता अदालत ने लगाई थी पेनल्टी। 2000 करोड़ से ज्यादा के लोन के लिए बनाए जाएंगे नए नियम, आरबीआई ने बैंकों के साथ शुरू किया विचार विमर्श। ग्राहकों के अनुरोध पर वीजा कार्ड की चिप में अब 2,000 रुपए स्टोर कर सकेंगे बैंक, बिना नेटवर्क के भी कार्ड से हो सकेगी 2,000 तक की शॉपिंग। डेटा प्राइवेसी के मद्देनजर 1 जनवरी 2022 से बदलेंगे कार्ड पेमेंट के नियम, ग्राहकों का सीमित डेटा स्टोर करने की स्टोर्स को मिलेगी छूट। बायजूस ने 2021 में किया 8वीं कंपनी का अधिग्रहण, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले प्लेटफॉर्म ग्रेडअप को खरीदा। टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, टीम इंडिया के मेंटोर की भूमिका में दिखेंगे महेंद्र सिंह धोनी। रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल को मिला मौका, वरुण चक्रवर्ती भी टीम में किए गए शामिल। भारत के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम में जॉस बटलर और जैक लीच की वापसी, 10 सितंबर से मुकाबला। यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में नंबर 1 जोकोविच जर्मनी के ज्वेरेव से भी अंतिम 8 में। यूएस ओपन में कैनेडा की 19 साल की लेला फर्नांडिस का कमाल, यूक्रेन के एलेना को हराकर पहली बार ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में बनाई जगह। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की जेल में भीषण आग, जिंदा जल गए 41 कैदी, 80 से ज्यादा जख्मे। जकार्ता की 1200 की क्षमता वाली जेल में रखे गए थे 2000 से ज्यादा कैदी, शॉर्ट सर्किट से हादसे का अनुमान। तजाकिस्तान में सैन्य परेड का आयोजन, 30,000 से ज्यादा सैनिकों ने लिया हिस्सा। भूकंप के तेज झटकों से कांपा मेक्सिको, दक्षिणी मेक्सिको शहर में हिलती नजर आई इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7 मापी गई तीव्रता। ईडा से प्रभावित न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी का दौरा करने पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, तूफान से हुए नुकसान का लिया जायजा। ब्राजील में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सियासी घमासान, राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने दी देश को संवैधानिक संकट में झोंकने की धमकी। चुनाव प्रचार के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का प्रदर्शनकारियों ने फेंके पत्थर, ओटावा में सरकार के विरोध में लोगों ने की नारेबाजी। इंग्लैंड में टैक्स बढ़ाने की योजना बना रही है सरकार, पीएम बोरिस जॉनसन ने देश में सामाजिक और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के लिए बताया जरूरी। अमेरिका में अब एक शख्स को महंगा पड़ा उड़ान के दौरान हंगामा करना, 61 साल के उपद्रवी को पुलिस ने दबोचा। जर्मनी के म्यूनिख में ऑटो शो की रौनक, एंजेला मर्कल ने ऑटो उद्योग से जुड़े निर्माताओं और कारोबारियों से की मुलाकात।